देख रही हूँ वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ आरएसएम की अपडेट की बात करें तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने जनता के हित में एक और बड़ा फैसला किया है। जी हाँ, इसके तहत आज 18 अप्रैल से आमजन को स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं और बेहतर उपचार के लिए प्रदेश में विकास खंड स्तरीय स्वास्थ्य मेलों का आयोजन शुरू होने जा रहा है। आज लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी रायसेन जिले के सांची में प्रातः 10 बजे स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ करेंगे। आज 49 जिलों के 53 विकास खंडों में स्वास्थ्य मेले लगाए जाएंगे। खास बात ये है कि इन स्वास्थ्य मेलों में सांसद, जिले के प्रभारी मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। राज्य स्तर से स्वास्थ्य मेले के सफल आयोजन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जिला कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य मेलों में लोक शिक्षण, महिला बाल विकास, आयुष, खेल एवं युवा कल्याण, जनसंपर्क, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, संस्कृति और सामाजिक न्याय विभाग सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। राज्य स्तर से प्रत्येक जिले के लिए नोडल अधिकारी नामांकित किए गए हैं जो स्वास्थ्य मेलों की सतत मॉनिटरिंग करेंगे। दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव में प्रदेश के सभी विकास खंड पर आज 18 से 30 अप्रैल तक स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मेलों में आम नागरिकों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं, पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड, डिजिटल मिशन में विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान पत्र उपलब्ध करवाते हुए विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों और स्वास्थ्य के प्रति आमजन में जागरूकता लाने का कार्य भी किया जाएगा। स्वास्थ्य मेले में विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ चिकित्सक स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार करेंगे। स्वास्थ्य परीक्षण के साथ विभिन्न प्रकार की जांचें भी होगी। मेले में उपचार, जांच और दवाइयां निःशुल्क मिलेगी। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।